हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जेहो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केओआर वर्सेस जेपीएन के होने वाले मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच के बारे में बात की तो मैच स्टार्ट होने में अभी 14 घंटे 16 मिनट बचे हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि पिच रिपोर्ट के बारे में और उसके साथ साथ एवरेज स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात किया तो फास्ट बॉलर को अच्छा सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ एवरेज स्कोर की बात करें तो फ्रेंड्स 110 और 120 के बीच में स्कोर बनेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये कर लेना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अभी तक तो आपको इतने लॉसेस हुए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो आप जितने लॉसेस हुए वो सब कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाई मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम में जाके इस तरह @jehofantasy सर्च करने से मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आपको 440 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं वही है मेरे टेलीग्राम चैनल दोस्तों। और सोच रहे होंगे कि जो बाकी दो अकाउंट्स हैं ये दोनों फेक अकाउंट्स हैं, इसमें आपको भूल से भी ज्वाइन नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों फेक टीम है और उसके फेक अकाउंट्स हैं, उसके साथ साथ फेक टीम भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको ज्वाइन किस में करना है तो 440 सब्सक्राइबर्स जिसमें दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर की बात करें तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर को पिक करते हैं, उसके साथ साथ 11 प्लेयर की स्टैट्स बता दूंगा और उसके साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात भी बता दूंगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों विकेट कीपर की बात करें तो राज मोहम्मद शोएब एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, पहले विकेट कीपर में पिक किए हैं। उसके साथ साथ बैट्समैन की बात किए तो फ्रेंड्स आर रविचंद्रन एक अच्छे ऑप्शन है, केट कॉडवाई भी अच्छे ऑप्शन है और इकबाल असिफ भी फ्रेंड्स एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। तीन प्लेयर जो बैट्समैन में बता दिए हैं दोस्तों, एक तीनों एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं। तो फ्रेंड्स अभी चौथी बैट्समैन की बात किया तो शॉन हानवू है दोस्तों, एक ठीक ठाक बैट्समैन है दोस्तों। उसके साथ साथ ऑलराउंडर की बात की है तो दोस्तों मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक करता हूँ, रियो सारुओ सारुओनो है दोस्तों, एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो दोस्तों मैं बॉलर की बात की है तो अल्लम नाकास है दोस्तों, दो ऑलराउंडर हैं। तो जो अल्लम नाज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक अच्छे ऑलराउंडर बैट्समैन है। तो फ्रेंड्स अब बॉलर्स की बात किया तो फ्रेंड्स बाकी जो चार प्लेयर्स हैं तो बॉलर्स को हम लोग पे पिक कर लेता हूँ। पीयूष कुंबरे एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, उसके साथ साथ इकबाल मधुसर की बात किए तो फ्रेंड्स एक बेहतरीन गेंदबाज है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स कोबुटो की बात किए तो फ्रेंड्स तीसरी गेंदबाज है, लेकिन एक तीसरी गेंदबाज है दोस्तों जो आपको ये बॉलर दिखा दे रहे हैं दोस्तों, जापान के एक इम्पॉर्टेंट बॉलर हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब ये बॉलर की बात किए तो चौथी बॉलर की बात किए तो फ्रेंड्स उलन साना एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स 11 प्लेयर के स्टैट्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर विकेट कीपर की बात की जाए, राज मोहम्मद शोएब है दोस्तों, इस प्लेयर की बात की तो फ्रेंड्स 40 रन बनाए 30 गेंदों में लास्ट मैच में, तो अच्छे परफॉर्म देके आ रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ बैट्समैन की बात की तो फ्रेंड्स मैंने चार बैट्समैन को पिक किया हूँ। तो दोस्तों अगर चार बैट्समैन की स्टैट्स के बारे में बात किया तो पहले यस रविचंद्रन की बात किया तो फ्रेंड्स 10 रन बनाए 8 गेंदों में, उसके साथ साथ 4 ओवर डाल के 2 विकेट मिला दोस्तों इस प्लेयर को। उसके साथ साथ दूसरी ऑल बैट्समैन की बात किया तो फ्रेंड्स 21 रन बनाए दोस्तों इस प्लेयर के कोडवाई 21 रन बनाए सिर्फ 8 गेंदों में दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक अच्छे बैटिंग करके गए हैं। उसके साथ साथ इकबाल असिफ की बात किया तो फ्रेंड्स 26 रन बनाए 21 गेंदों में। तो फ्रेंड्स अरे चौथी बैट्समैन की बात किया तो फ्रेंड्स हाइनवू है दोस्तों, इस प्लेयर 26 रन बनाए 21 गेंदों में इस प्लेयर भी, तो सॉरी फ्रेंड्स मैं स्टैट्स गलत बता दिया, जो इकबाल असिफ है जो 7 गेंदों में खेल के 2 रन बनाए दोस्तों और 3 ओवर डाल के 1 विकेट मिला दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स और भी ऑलराउंडर की बात किए तो मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, रियो सारुखो की बात किए तो फ्रेंड्स ये 1 रन बनाए दोस्तों 3 गेंदों में। तो दोस्तों अभी बॉलर की बॉलिंग की बात किए तो 2.5 ओवर्स में 3 विकेट चटका दिए दोस्तों। तो बोला ना दोस्तों ये दोनों जो ऑलराउंडर से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके साथ साथ अल्लम नकशा की बात किए तो फ्रेंड्स
एक रन बनाए चार गेंदों में, उसके साथ साथ तीन ओवर डाल के एक विकेट मिला दोस्तों। तो दोस्तों इस ऑलराउंडर को आप जरूर पिक कीजिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। तो दोस्तों मैं एक बॉलर की बात की तो मैंने चार बॉलर्स को पिक किया। पीयूष कुंभारे है दोस्तों, चार ओवर डाल के दो विकेट मिला, बैटिंग में तो कोई मौका नहीं मिला था दोस्तों। तो और दूसरी बॉलर की बात की तो इधवल मधुसाई है दोस्तों, 46 रन बनाए दोस्तों सिर्फ 26 गेंदों में, उसके साथ साथ दो ओवर डाल के जीरो विकेट मिला दोस्तों। तो बॉलिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन लास्ट मैच में तीन विकेट लिए थे दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को भी आपको पिक करना है। उसके साथ तीसरी बॉलर की बात किए तो फ्रेंड्स के कुबटो की बात किए तो फ्रेंड्स दो ओवर डाल के दो विकेट लिए थे, जापान के एक इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों। उसके साथ साथ युशाना की बात किए तो फ्रेंड्स चार ओवर डाल के एक विकेट मिला इस प्लेयर को। तो चलिए फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात किया तो फ्रेंड्स कैप्टन में बना लेता हूँ राज मोहम्मद शोएब को, और वाइस कैप्टन की बात किया तो फ्रेंड्स के कोडवाई को वाइस कैप्टन में बना लेता हूं। तो दोस्तों मैं कैप्टन में बनाया राज मोहम्मद शोएब को, एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन आप वाइस कैप्टन में एस रविचंद्रन को भी पिक कर सकते हैं और इकबाल असीबी को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फ्रेंड्स लेट नहीं करते हैं, आपको मेरे टीम को अभी भी दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार मेरे टीम को भी देख लीजिए। अगर दोस्तों विकेट कीपर की बात की तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक किया और मोहम्मद है दोस्तों, राज मोहम्मद शोएब है दोस्तों। उसके साथ साथ बैट्समैन की बात करें तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, एस रविचंद्रन है दोस्तों, के कोडवाई है और से हाइन हुए है दोस्तों, और इकबाल असीफ है दोस्तों, चार बैट्समैन से हैं। तो फ्रेंड्स यार भाई ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, आर शाहरुख खान है दोस्तों और ए नशंक है दोस्तों, चार दो ऑलराउंडर्स हैं। तो दोस्तों अभी बॉलर्स की बात करें तो मैंने चार बॉलर्स को पिक किया, पी कुंभरे है, के कोबट्टू है, युशाना है दोस्तों और आई मधुसर है दोस्तों, चार बोलर्स हैं। तो फ्रेंड्स एक कोई मेरा फाइनल टीम नहीं समझेगा, मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों मैं इसी तरह फाइनल टीम देता हूं आपको, 440 सब्सक्राइबर जे हो फैंटेसी वाला में आपको क्लिक करना है। तो इस तरह मैं फाइनल टीम देता हूं दोस्तों, इसी तरह मैं फाइनल टीम देता हूं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं होता तो आपको टेलीग्राम में जाके बता चुका हूँ दोस्तों, @jehofantasy सर्च करना है। तो दोस्तों जो आपको मैं टीम दे रहा हूँ आप 3 स्क्वाड 4 स्क्वाड 5 स्क्वाड, उसके साथ साथ हेड टू हेड में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, थैंक यू।